मैं खुद गया गोरखपुर जब लोकसभा चुनाव में आप मेहनत कर रहे थे फील्ड पर। पहली बार जब इंट्रोडक्शन गोरखपुर वासियों के लिए आपका हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी ने सीट छोड़ी थी, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी थी आपके कंधों पर। दूसरी बार आप काम कर गए। अब जो गोरखपुर के लोग हैं वो कैसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक सांसद के तौर पर, सांसद प्रतिनिधि के तौर पर, या वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं कि उनके सांसद जो हैं वो इंटरनेशनल स्टार हैं? नहीं, वो उनको पता है कि ट्रेन का रिजर्वेशन भी बुक करवा दिया हमारा खातिर, हमके अस्पतालों में एडमिट करवा दिया, इक्वल काम करी हैं और साथ सिनेमा में भी जई हैं। मतलब ये हमारा अघड़न 31st के नाइट में स्टेज पर खड़ा रह के रॉकस्टार जैसे गाई ला भी, डांडिया में जाके नाची ला भी, नवरात्र पे भी नाचता हूँ, गाता हूँ, आनंद देता हूँ। हम रस एगो जनवाला की एगो कहत वो कहावत रहे के पूरा मोह, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बदल देना कि राजनेता के देख के लोगन के मोस्टली बहुत अलग भावना आवत रहे 2014 के पहले। रे नेता आ गया, कितना करप्शन, लोग इतने लुटेरे लूट के खा गए थे कि सिनेमा में भी वैसे सब बताया जाता था। हमारा सांसद तो रॉक स्टार है भाई। जी जी जी, तो यही मोदी जी चाहते थे, यही राजनीति है कि आप नॉर्मल रहें, आप जैसे हैं वैसे रहें, जबरदस्ती नहीं कि आपको पूरा खदरी चद्दर पहन के ही घूमना है तभी आप नेता बनवा, ऐसे नहीं। सेवा मन में होला, भारत मन में होके के चाहिए, ईमानदारी खून में होके के चाहिए, शब्द में कथनी करनी में अंतर नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, जैसे पूज्य योगी महाराज जी, जैसे भाजपा करती है, जिसके बदौलत हम लोग हरियाणा इतना ऐतिहासिक तरीके से जीते, अब हम लोग झारखंड जीतने जा रहे हैं और महाराष्ट्र जीतेंगे। आपने जो कुछ भी कहा, कहा जाता है कि पर्दे पर जब कलाकार दिखता है तो एक रील लाइफ होती है, रियल लाइफ में अलग होता है, लेकिन आपकी रील और रियल लाइफ तो मुझे बिल्कुल अलग नहीं लग रही है, बिल्कुल सेम लग रही है। जैसे आप पर्दे पर दिखते हैं वैसे ही आप अपने अपने जीवन में, निजी जीवन में भी ऐसे नॉर्मल नेचुरल रियल रहना चाहिए। इस देश को अब वो समय आ गई बा, ये देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे मोल्ड कर दिया कि अब जो यहाँ पर स्ट्रेट रहेगा, सच रहेगा, रियल फेस को ही देश पसंद करेगा, झूठ को ये देश नहीं पसंद करेगा। देश अब खुद जज करता है, देश अब खुद वोट करता है, देश को ट्रांसपेरेंट कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये बहुत ऐतिहासिक काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, उन्होंने राजनीति का चेहरा बदल दिया। पहले ऐसी राजनीति, अब फेस ऑफ करना पड़ता है, इसीलिए ये सब जितने विरोधी दल हैं इन लोगों की हालत इतनी खराब होती है। राजनीति को उन्होंने मेहनत, ईमानदारी, जनता का पैसा सीधे जनता में, ये थॉट कभी नहीं था जो दिखाई दे रहा। आज हमारे गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया, आज गीडा इंडस्ट्री है, आज अनगिनत हवाई जहाज चलते हैं, आज वहाँ पे गोवा की तरह क्रूज है, वाटर स्पोर्ट्स हैं, फिल्म की स्टूडियोज हैं, वहाँ पे शूटिंग्स होती हैं, वहाँ पर सैनिक विद्यालय का उद्घाटन हुआ, 4 महाविद्यालय हैं, आज सब कुछ है। आज 52 लाख की आबादी में हमने वहाँ हेल्थ पर काम मोदी जी ने और पूज्य योगी महाराज जी ने बहुत किया है, पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत कम है, बहुत सारी चीजें। गोरखपुर आज एक टूरिस्ट हब बन गया है, वी हैव बिग जू, वी हैव एवरीथिंग ओवर देयर। सो गोरखपुर राइट नाउ एक नजीर पेश कर रहा है पूरे भारत में अपने आप में। अब क्योंकि यही मंजे वाले कलाकार की खासियत भी होती है कि कैसे वो फिल्म जगत की बात करते हुए राजनीति पर सारी बातों को लेकर आ जाते हैं, और अब क्योंकि सांसद में तो सवाल तो बनते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर भी सवाल, क्योंकि कानून व्यवस्था के भी हैं, उपचुनाव भी आ गए हैं, तो तैयारी कैसी है? हम लोग जीतेंगे, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। वो झूठ की काट की हाणी बार बार नहीं चढ़ती, वो हम लोग के साथ धोखा हो गया। उस वक्त जनता भी आज बहुत दुखी थी और उसी जनता का आक्रोश आपने हरियाणा में देख लिया। वो झूठ का बॉन्ड, वो कांग्रेस की झूठ, वो सारी बातें, वो लोगों ने सपा के झूठ, वो जातिकरण जो किया उन्होंने, बहुत संविधान का झूठ जो फैलाया, वो सब पर से पर्दा हट गया। देश को जैसे पता चला कि सब लोग का प्लान था मोदी जी को कमजोर करना, अब देश आक्रोशित होकर खड़ा हो गया है। आप देखिएगा उपचुनाव का रिजल्ट कुछ ही महीने में आपके सामने आएगा, आपके सामने झारखंड का रिजल्ट आएगा, महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा, और सब भाजपा के पक्ष में होगा। 2027 से पहले हम क्या ये समझे कि ये एक रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां ये कह रही है कि सारी की सारी सीटें हमारे खाते में आने वाली है। और इसी के साथ मेरा एक सवाल और है आपसे, क्योंकि आप लगातार चुने गए गोरखपुर से, अब ऐसे में आपने वहां पर कई सारी विकास योजनाएं हैं, आप वहां पर रोड लेकर के आए हैं, 2600 करोड़ की योजना लेकर के आए हैं, और ऐसी कई चीजें प्रस्तावित है, आपने खुद बताया कि वहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है, तो वहां के लोगों को आने वाले वक्त में और क्या मिलने वाला है? देखिए, आने वाले वक्त में गोरखपुर से पलायन पूरा बंद हो, यही प्लानिंग है,
यही डबल इंजन सरकार की पूरा पलायन बंद हो, रोजगार हम लोग दे रहे हैं फिल्म के शूटिंग के माध्यम से, गीडा इंडस्ट्रियल के माध्यम से, रेडी पटरी वाड़े को विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री की, बेटियों के लिए अनगिनत योजनाएं हैं, हर सारे मजदूरों के लिए योजनाएं हैं, उससे गोरखपुर और पूर्वांचल और पूरा उत्तर प्रदेश आज पूरा पलायन काफी दर्द काफी हद तक वहां पर से कम हो गया है। थॉट प्रोसेस एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को ज्यादा काम किया जा रहा है। स्मार्ट टीवी जो मैं अपनी निधि द्वारा भी, मुख्यमंत्री द्वारा जी द्वारा भी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, जितने स्मार्ट टीवी हैं गांव देहात में, अब गोरखपुर में स्मार्ट टीवी में बच्चे आज की तारीख में पढ़ रहे हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ, वहाँ सब मोस्टली 60% ऑफ विलेज के स्कूल में स्मार्ट टीवी लग गया, 40% जो बचा है वो हम लोग तुरंत लगवा देंगे। देखिए ये हुआ है, इसका जिक्र आप जो यहाँ पर कर रहे हैं, और एक सीरियस नोट पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि उपचुनाव अब आने वाले हैं और आप देखिएगा जो नतीजे सामने आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो नतीजे आए उसे जिस तरीके से प्रिडिक्ट करने की कोशिश की गई, 99 किसी के आते हैं, 240 लेकर आता है, और ये एक प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं करने की कोशिश हुई, उसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश हुई कि जीत जो है वो हारने वाले की हुई है। ये जो सिचुएशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या मैसेज सही से डिलीवर नहीं हुआ, लोगों को भ्रमित कर लिया गया लगातार जिस तरीके के बयानबाजी का दौर चला, और क्या जनता अब इससे उबर गई है इस वक्त के दौरान? परसों रात से एक सवाल और परसों, हाँ, इसी में एक छोटा सा सवाल और ऐड करना चाहूंगी, इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या वहां पर पीडीए का फायदा मिला है जैसे चुनावों में खूब भुनाने की कोशिश की गई है सपा के द्वारा कांग्रेस के द्वारा? देखिए उस वक्त बहुत सारी चीजें होता ना, कभी कभी हम लोग अटैक काउंटर अटैक नहीं कर पाए, उन लोगों ने परसेप्शन बनाया शायद हम लोग थोड़ा सा लेट बैक रहे, हमारा आईटी सेल थोड़ा पीछे रहा, उनके सारे 26 लोग एक साथ आए थे, उनका आईटी सेल एक्टिव था, साइलेंटली उन लोग बॉन्ड लेके 3 महीने पहले उनके एनजीओ द्वारा काम कर रहे थे, बहुत सारे धोखे हुए जिस पर बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग वेरी वेल प्रिपेयर्ड हैं। फिर उन्होंने कहा कि केंद्र से और महाराज जी के बीच का कुछ तालमेल ठीक नहीं है, कल रात से एक फोटो वायरल हो रही है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मुस्कुराते हुए महाराज जी से बात कर रहे हैं, उस फोटो के देख के विरोधी लोगों की नींद उड़ गई है, होश उड़ गए, भाजपा में सब कुछ अच्छा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व देश के विकास को चाहता है, उत्तर प्रदेश आज अपने आप में एक देश है, शीर्ष नेतृत्व का सोच छोटी नहीं है, कल वो हमारे गृह मंत्री का दिल और उनका दिमाग, अगर उनको चाणक्य कहा जाता है, लेकिन उनकी सोच में उत्तर प्रदेश है, पूरा भारत है, भारत को विकसित, भारत की ग्रोथ है, प्रधानमंत्री जी के सपने हैं, तो ये छोटी सोच जो विरोधियों ने फैलाई थी कि कुछ अनबन है, वो सारी चीज़ें कल रात की आप तस्वीर आप परसों की बैठक की देखेंगे जो काफ़ी वायरल हुई है अमित शाह जी की और पूज्य योगी महाराज जी की, उससे भी चीज़ें क्लियर हो गई, और ये दर्शाता है कि हमारा उपचुनाव, हमारा झारखंड या हमारे भारत का विकास और विकसित भारत का जो सपना है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें कोई भी रुकावट अब नहीं आएगी, कहीं भी भाजपा में कोई अलगाव नहीं है, पूरा संगठन एक मत होके राष्ट्र सर्वोपरि के नारे के साथ चल रहा है।